पिछले दिनों भारत को आंखें दिखा रहा मालदीव इस वक्त चीन के कर्ज के जाल में फंस चुका है और अब तो IMF ने भी मालदीव को चेतावनी दी है और कहा है कि मालदीव इस वक्त कर्ज में डूबा हुआ है और कर्ज संकट के हाई रिस्क पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मालदीव दिवालिया होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाला मालदीव शायद इस बात को भूल चुका है कि उसकी हालत श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह हो सकती है, क्योंकि मालदीव भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह चीन के कर्ज में डूबा हुआ है, जिस बात को IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी कह दिया है। IMF की तरफ से ये कहा गया है कि मालदीव लगातार कर्ज ले रहा है और कर्ज तले दबा हुआ है। IMF ने कहा है कि मालदीव का कर्ज उच्च जोखिम पर है। IMF ने मालदीव को चेतावनी दी है कि वो जल्द से जल्द कर्ज लेने की अपनी नीतियों में बदलाव करे, नहीं तो उसका भी हाल वैसा ही होगा जैसा श्रीलंका और पाकिस्तान का हुआ था। दरअसल मालदीव ने चीन से काफी ज्यादा कर्ज लिया है और अब भारत से भी अपने रिश्ते खराब कर चुका है। इस वजह से देश में ऋण संकट का खतरा बहुत ज्यादा है, जिसे लेकर IMF ने तत्काल पॉलिसी एडजस्टमेंट की बात कह दी है। वहीं सिर्फ IMF ही नहीं, विश्व बैंक ने भी अपनी अक्टूबर की रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि अगर मालदीव चीन के और करीब जाता है तो ये देश के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि उस पर पहले से ही बीजिंग का $1.37 बिलियन बकाया है। सऊदी अरब और भारत से भी आगे चीन मालदीव का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता है, यानी चीन से सबसे ज्यादा कर्जा मालदीव ने लिया हुआ है। और इतिहास गवाह है कि जिसने चीन से कर्जा लिया वो देश पूरी तरीके से तबाह हो गया। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान इस वक्त $100 अरब यानी 8.3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज तले दबा हुआ है। इसमें चीन का हिस्सा 30% है। पाकिस्तान को अभी भी एशियन बैंक को $8.77 अरब चुकाने हैं। इसमें चीन का बैंक ऑफ चाइना, ICBC और चाइना डेवलपमेंट बैंक भी शामिल है। चीनी कॉमर्शियल बैंक अन्य कर्जदाताओं की तुलना में 5.5 से 6% पर कर्ज देते हैं, वहीं दूसरे देश के बैंक लगभग 3% के ब्याज पर कर्ज देते हैं। यानी चीन साहूकारों जैसा व्यवहार करता है। जब कर्ज की बात आती है तो चीन छोटी अवधि के लिए बढ़ी हुई ब्याज दर भी वसूलता है। जर्मनी, जापान और फ्रांस 1% से कम की ब्याज दर पर कर्ज देते हैं, जबकि चीन 3 से 3.5% ब्याज पर कर्ज देता है। 2021-22 में पाकिस्तान को $4.5 अरब के कर्ज पर चीन को ब्याज के रूप में लगभग $150 मिलियन यानी 1.3 हजार करोड़ रुपए चुकाने पड़े। वहीं 2019-20 में पाकिस्तान को $3 अरब के कर्ज पर 120 मिलियन यानी 995 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में चुकाने पड़े। इसके अलावा बीजिंग ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के लिए पाकिस्तान को बड़ी रकम कर्ज के रूप में दी है। और जब पाकिस्तान से पैसे वसूलने की बात आती है तो चीन चाबुक चलाने से भी पीछे नहीं हटता, यानी बेहद सख्त रवैया चीन अपनाता है। और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के बाद श्रीलंका के साथ भी चीन ने किया। चीन ने 150 से ज्यादा देशों में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जिसमें से अधिकांश विकासशील देश हैं। इस तरह चीन खुद को एक अच्छे दोस्त के रूप में पेश करता है। हालांकि इस तरीके के निवेश धीरे धीरे गरीब देशों की कर्ज चुकाने की क्षमता को खत्म कर देते हैं, यानी उन्हें दिवालिया बना देते हैं। और श्रीलंका के साथ भी चीन ने ऐसा ही किया। श्रीलंका चीन के कर्ज में डूबा हुआ है, जो $6.8 अरब है। चीन साल 2000 से 2020 के बीच श्रीलंका को करीब $12 अरब का कर्ज देता है। इसका एक बड़ा हिस्सा हम्बन टोटा पोर्ट के लिए था। ये पोर्ट उस वक्त के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के शहर में है। साल 2008 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, लेकिन ज्यादा लागत की वजह से श्रीलंका कर्ज में डूबता गया। श्रीलंका ने कर्ज ना चुका पाने के बाद साल 2017 में साउथ में स्थित हम्बन टोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर चीन को सौंप दिया था। और विदेशी कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से श्रीलंका दिवालिया हो गया, यानी चीन ने श्रीलंका का हाल भी बदहाल कर दिया। दरअसल श्रीलंका और पाकिस्तान के हाल से तो पूरी दुनिया वाकिफ है।
कर्ज के बोझ ने इन देशों की कमर तोड़कर रख दी है। और अब यही हालात मालदीव का भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की बातें IMF की तरफ से की गई हैं, वो इस ओर ही इशारा कर रही हैं। और ऐसा हुआ तो मालदीव जल्द ही दिवालिया होता नजर आएगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।